हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिर एक बार हम लोग साथ मिलके इस सफ़र को शुरू कर रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं कि आज जो हम क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं, और आप लोग भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को इस वीडियो को देखने के लिए बैठे हुए हैं जिस मोटिव से मैं इस क्वेश्चंस को कराने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब साफ है कि आपने चैप्टर 8 क्लास 10 बोर्ड के अकॉर्डिंग उस चैप्टर को आपने कंप्लीट कर लिया होगा, है ना। तो अब आप सोचते हो कि हमारे पास कौन से ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, कहने का मतलब ये है कि जिसे हम नाम दे देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम किस तरीके से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और हमें कैसे कैसे मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में हमें दिख सकते हैं। इस क्वेश्चनों को देखने की हमें कहीं ना कहीं एक चाहत सी होती है ना। तो आप एक बात समझिए जरा कि मैं आज जो यहाँ कराने वाला हूँ वो आप देख रहे होंगे कि चैप्टर 8 क्लास 10 ट्रिगोमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये जो सेशन स्टार्ट हो रहा है ट्रिगोमेट्री क्वेश्चन सेशन, ट्रिगोमेट्री को लेके, तो ये ट्रिगोमेट्री के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। और प्लस पॉइंट ये है कि ये तो मेरे अकॉर्डिंग हुआ, जो ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लिखा ये मेरे अकॉर्डिंग हुआ कि कौन कौन और आ सकते हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन होगा आप लोगों के साथ। और यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर लिखा है, प्रीवियस ईयर है मतलब कि प्रीवियस ईयर लास्ट 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो और एंड सैम्पल पेपर क्वेश्चन, और जो हमारे CBSE द्वारा सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराया गया उसके भी सारे क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री के, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ट्रिगोमेट्री के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे। और उम्मीद करता हूँ अगर आपने सही तरीके से यहाँ पे पेशेंस के साथ वीडियो को देख लिया तो आपके सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं ना, ये सारे कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो चुके होंगे। ठीक है, तो हम इसको बहुत बेहतर तरीके से तैयार करेंगे। और एक बहुत अच्छी बात और बड़ी बात कहने वाला हूं मैं कि आप लोग एक छोटी सी मेरे तरफ से कोशिश कीजिए कि जैसे ही मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूं, जैसे ही मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूं, तो आप 1 मिनट का पॉज या 30 सेकेंड्स का, अकॉर्डिंग टू यू जैसा आप चीज़ों को कर पाते हैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से पहले ट्राई कीजिएगा। अगर ना हो उसके बाद हम क्वेश्चंस को साथ में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये काम जरूर कीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपकी खुद की मेंटेलिटी, खुद का माइंड डेवलपमेंट पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन तरीके से चीज़ों को नहीं सोच पा रहे थे हम, अब हम सोच पाएंगे। ठीक है, तो आइए तो हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस का सिलसिला, और देखते रहिए बहुत ध्यान से। तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जैसा कि हम लोगों ने एक छोटा सा एक आप लोगों ने एक छोटी सी प्रॉमिस के तौर पे एक बात करी थी कि सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसे इसे खुद से पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे आपके करने के बाद। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्यूशंस को देखें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें सोचने का एक मौका मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सैम्पल पेपर अभी का हमारे पास है, लेटेस्ट सैम्पल पेपर जो हमारे CBSE द्वारा ने हमें दिया। आप सैम्पल पेपर देखोगे तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा क्वेश्चंस, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशंस करने के अपने अपने तरीके होते हैं, आओ इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है sin θ + cos θ = √2, हमें फाइंड करना tan θ + cot θ। देखो बहुत ध्यान से एक बात मेरी समझिए, ठीक है, ट्रिगोमेट्री कोई बड़ा बड़ा कोई काम नहीं है इसमें। ठीक है, एक बहुत एक क्या कहते हैं, एक लिमिटेड रोटेशन लगाता रहता है, ये लिमिटेड रोटेशन लगाता है, लेकिन अगर आप उस रोटेशन को आप सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं घूमते रहोगे, चीज़ों को लेकर घूमते रहोगे। ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि एक पेन चलाने से पहले एक डायरेक्शन हमारे पास होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ तो उसके अगले स्टेप के बारे में मुझे पता होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब, मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे काम करता हूँ, और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो, जितने भी वीडियो आपके पास होंगे आप देखना चाहेंगे पीछे जाके, तो मैं एक ही चीज़ पे काम करने पे विश्वास रखता हूँ कि हाउ टू थिंक बिहाइंड द क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन के पीछे की चीज़ें कैसे सोचते हैं हम, ये हम इस पे काम करने लग रहे होते हैं। देखो तो sin θ + cos θ = √2, हमारे पास tan θ + cot θ है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए कि 2 टर्म है हमारे पास, ये रहा sin θ + cos θ। तो tan θ और cot θ को हम साइन कॉस में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेन को और कॉट को साइन और कॉस में हम लेके आ सकते हैं। तो क्या कहते हैं, इसे थोड़ा सा पहले सॉल्व करना होगा, हमें करते हैं इसे थोड़ा सॉल्व। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास दिया हुआ है sin θ + cos θ = √2। ठीक है, तो स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये आ रहा होगा कि सर
ये कैसे सोच पा रहे हैं हम स्क्वायर बोथ साइड क्यों? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। जैसे अगर आप सोच रहे हो तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं काम कर रहा है, आप चीज जानने में इंटरेस्टेड हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, साइन थीटा और कॉस थीटा आइडेंटिटी, हमें कौन ये सोच देगी? आइडेंटिटी देगी। तो आइडेंटिटी किस में होती है? साइन और कॉस में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसलिए अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा ना बोथ साइड, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा हमें। ठीक है, देख लीजिए यहाँ ध्यान से, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें मिलेगा। तो हम यहां देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये देखिए, ये चीज हमें सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा, है ना? तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 माइनस ये वाला 1, इधर शिफ्ट कर देते हैं 1। तो यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2। देखिए, ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, है ना? और ये डेनोमिनेटर में, तो इसका मतलब ये कि इतना काम तो हमने इससे निकाल लिया है। अब बिल्कुल बेफिक्र रहिए, यहाँ पर जितने क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री कराऊंगा ना, वो सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको बोर्ड में, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगा। तो आप बेफिक्र रहिए, आप सोल्यूशन पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, बहुत प्यारी तरीके से, प्यारे तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए हमें सॉल्व क्या करना है, हमें निकालना क्या है? टेन थीटा और कॉट थीटा। तो यहाँ पे है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप एलसीएम लेने की कोशिश कर रहे हो तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा अलग अलग है, तो दोनों सेम आ जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई, जब डिनोमिनेटर अनइक्वल होता है, मतलब अलग होता है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके नोमिनेटर निकाल लेते हैं। तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम यहां लेके आते हैं। तो अभी अभी हमने यूज किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट? 1। तो यहां से 1/ साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1/, बहुत ध्यान से जरा देखिएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है ना यहाँ। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस 2 को ऊपर लाएंगे तो ऑफिशियल ये कि ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2/1 आएगा, मतलब 2। तो आपका आंसर जो है वो है आपका आंसर 2। तो इसका टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का आंसर क्या है? 2। बहुत बेहतर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से राइट डाउन कीजिए। तो आप लोगों ने क्वेश्चन सेकंड भी ट्राई कर ही लिया होगा, ठीक है, और बहुतों के क्वेश्चंस के आंसर आ भी रहे होंगे और नहीं भी आ रहे होंगे। तो देखो, जिसको आ रहा है, जिसका आंसर आ रहा है उसके लिए तो अच्छी बात है, और जिसके लिए नहीं आ रहा तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सीखने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो वो सीखेगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा धीरे धीरे चीज़ें सीख के अपने प्रैक्टिस में लेके आओ, ठीक है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो। ये बहुत बहुत ही कहते ना कि एक तरीके से आप ये समझो कि सक्सेस मंत्र बोल सकते हो आप, कि मैथमेटिक्स के साथ क्या है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको चीज़ें आ रही है, नहीं कर रहे हो तो नहीं आएंगी, सीधी सी बात है। तो इसलिए इसमें टेंशन होने की बात नहीं है, आप एक दिन दो दिन लगातार मैथ्स पढ़ लो, आपका पूरा रवैया बदल जाएगा, आपके रहने सहने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। लगातार 2 से 3 दिन आप मैथ्स पढ़ लो, सिर्फ मैथ्स मैथ्स मैथ्स, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन ईमानदारी से, अपनी ईमानदारी अपने हाथों में होती है, ये नहीं कि बस लेके बैठे हुए हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स टेन सिक्सटी कॉस सिक्सटी इक्वल टू साइन सिक्सटी कॉट सिक्सटी, और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो देखो, एक्स तो अपनी जगह ठीक है, टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, √3 होती है। टेन सिक्सटी की वैल्यू √3, कॉस सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है? कॉस सिक्सटी की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू, साइन सिक्सटी की वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाई कॉट सिक्सटी की वैल्यू। देखिए, याद करने की जरूरत नहीं, वैल्यूज एक तो आपको याद होनी चाहिए, बाकी तो सब इधर उधर करके हमें मिल जाता है। ठीक है, जैसे टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी थी? √3 है ना, तो कॉट सिक्सटी की वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/√3, 1/√3, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सबको पता चल रहा होगा क्या करा है, वैल्यूज मैंने पुट करी और कुछ भी नहीं करा है। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी सा था, आप कर सकते हैं, लेकिन ये इजी तभी होगा जब आपको सारे डिग्री एंगल्स याद हो रहे होंगे, एंगल की वैल्यू याद हो रही होगी।
ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कि रूट थ्री जो हमारे पास है ये कैंसिल हो जाएगा, रूट थ्री कैंसिल। अच्छा टू से टू काट दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ एक्स रूट थ्री एक्स इक्वल टू, यहाँ पे बच गया आपका वन, तो एक्स इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री। तो आई होप सो कि आपको इस बात में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फास्ट। तो आइए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशंस को हम बेहतर बनाएंगे और, ठीक है। तो कहा गया कि फाइंड एक्यूट एंगल व्हेन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू वन माइनस रूट थ्री अपॉन वन प्लस रूट थ्री। एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि कहते हैं कि सिर्फ चलना मंजिल की ओर नहीं होता है ना, आपको सही डायरेक्शन में चलना मंजिल की ओर लेके जाता है। तो सही डायरेक्शन यहाँ भी कुछ उसी तरीके का काम हमें करना है, ठीक है। सिर्फ हमें सॉल्व करना, पेन चलाते रहना, उसका सॉल्यूशन आपको ट्रिगोमेट्री के बात कर रहा हूँ मैं, मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं गए तो आप सॉल्यूशन से बहुत दूर रहेंगे, ठीक है। तो सही डायरेक्शन इसमें उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि आपको चलना इंपॉर्टेंट है। तो आइए, तो डायरेक्शन सही लेने का मतलब ये कि पहले हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। तो हाउ टू थिंक, वी विल वर्क ऑन इट, यू डोंट वरी, ठीक है। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू वन माइनस रूट थ्री वन प्लस रूट थ्री। ध्यान से देखिएगा कि थीटा निकालना है यहाँ पे, ठीक है। ये वन माइनस रूट थ्री, देखिए रूट थ्री जो होता है ना, रूट थ्री अगर हम थोड़ा सा सोचे तो रूट थ्री हमारे पास टेन और कॉट में रूट थ्री वैल्यू होती है। आप सोच रहे हो सर साइन में भी होती है, कॉस में भी होती है, रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास हमारे सामने है ना, हम उसके बिहाफ पे चीज़ों को सोचते हैं ताकि हम आगे काम कर सकें, ठीक है। जो नहीं है उस पर सोचने में कोई फायदा नहीं है। तो हमने कहा कि रूट थ्री तो सर टेन और कॉट में होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। तो क्या हम साइन कॉस को टेन कॉट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से मैं बताता हूँ ना। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कह रहे कि सर कॉस थीटा से इसको डिवाइड कर दो आप ऊपर वाले को, और कॉस थीटा से नीचे वाले को भी डिवाइड कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो वन हो जाएगा, ये साइन अपॉन कॉस टेन। आओ करके देखते हैं ना, तब मजा आएगा। तो करके देखते हैं, तो हमारे पास क्या, पहले मैं लिख देता हूँ कि डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, एन एंड डी, न्यूमिनेटर मतलब ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ देखो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखिए सबके नीचे कॉस थीटा डाल देते हैं। आइए तो इससे क्या होगा कि बैलेंस है, अभी हमारा इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, इससे कोई दिक्कत नहीं होना है। प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो बैलेंस है अभी, क्योंकि आप कॉस कॉस को कैंसिल करोगे डिनोमिनेटर, तो आपको यही मिल जाएगा जब एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ देखिए इससे हमें फायदा, ये कट गया ये कट गया। अच्छा यहाँ पे वन माइनस रूट थ्री लिखा हुआ है, इसे भी लिख देते हैं, वन प्लस रूट थ्री भी लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा यहाँ क्या बच गया, वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा इक्वल टू वन माइनस रूट थ्री वन प्लस रूट थ्री। ये देखिए मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, मेरी बातों को आप थोड़ा सा याद कीजिएगा, आपको पता चलेगा। मैंने कहा था कि सिर्फ चलना मंजिल की ओर नहीं होता है, आपको सही डायरेक्शन में चलना मंजिल की ओर लेके जाता है। तो सही डायरेक्शन में हम चले, अपने आप हम पहुंच चुके हैं, हमने ये सोचा भी नहीं था कि ये मिल जाएगा। देखो अब कैसे, कि हमने सिर्फ डायरेक्शन लिया था, मैंने सिर्फ टेन को सोच के लिया था कि टेन रूट थ्री की वैल्यू होती है। देखो यहाँ पे वन माइनस टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा, कंपेयर जब हम करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो वन यहाँ है वन है कोई दिक्कत नहीं, वन यहाँ है वन कोई दिक्कत, माइनस यहाँ है माइनस यहाँ है, प्लस यहाँ है प्लस यहाँ है। टेन थीटा की जगह क्या है, रूट थ्री। अरे यहाँ भी टेन थीटा की जगह क्या है, रूट थ्री। इसका मतलब कन्फर्मेशन है, कन्फर्मेशन है मतलब कि टेन थीटा जो है वो रूट थ्री के बराबर है। तो ऑफिशियली ये टेन किसकी वैल्यू होती है, रूट टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है। अभी अभी हमने जस्ट सेकंड क्वेश्चन में भी इसका यूज़ किया था, टेन सिक्सटी रूट थ्री, ओ है ना, टेन सिक्सटी क्या होता है, रूट थ्री। टेन थीटा बराबर रूट थ्री हमने यहाँ से निकाला, हमने देखा कि ये टेन सिक्सटी है। कह रहा है इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल तभी हो सकता है, ये दोनों इक्वल तभी होगा जब थीटा क्या होगा हमारे पास, सिक्सटी डिग्री। देखो कितना प्यारा आंसर आपके सामने आ चुका है ना।
बहुत प्यारा आंसर, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ भी पाए होंगे, और जिसने बहुत ध्यान से चीज़ों को सुना होगा ना, आई होप सो कि वो भूल नहीं सकता, एग्जाम के बाद भी उसे चीज़ें याद रहेगा। याद करने का मतलब ये है कि उसे ये पता होगा कि हमें अगला स्टेप करना क्या है, तो हमारी कोशिश यही है कि नेक्स्ट स्टेप हमारे आंखों के सामने हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट राइट इट। तो आइए कैंडिडेट्स, हमारे सामने एक और बहुत बेहतर क्वेश्चन, और इसको हम फिर से एक बार बेहतरीन लेवल पे ले जाएंगे। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, ऐसे सेशंस आपको बोर्ड तक मिलते रहेंगे, और जितने भी सेशंस मिलेंगे ना आपको, ये सारे आपके अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम बोर्ड के होंगे, वो सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के होंगे। क्योंकि हमारी कोशिश इस सेशन का सिर्फ इतना सही है कि आपके पास वो सारे क्वेश्चंस पहुंच जाए जो बोर्ड में दिखने के एक्सपेक्टेड है, जो दिख सकता है, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस पे आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सको, ताकि आपके स्कोर में 4 चांद लग जाए, है ना। तो आइए हम इस कोशिश को जारी रखेंगे, और आप लोग भी थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को तैयार कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि हाँ, अब हमारे पास चीज़ें मिल रही है, क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उसका सॉल्यूशन तो हम कर ही लेंगे। क्वेश्चंस आपको सारे मिलेंगे यहाँ से, जितने भी प्रीवियस ईयर, लास्ट 10 ईयर्स के, या आपको ये सैम्पल पेपर के क्वेश्चन, उसके सोल्यूशन भी बेहतरीन लेवल पर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोग थोड़ा सा देख लिए होंगे कि किस तरीके से इसमें क्या करना है, ठीक है। कह रहे क्वेश्चन तो बड़ा हो गया सर, है ना, बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा कि डायरेक्शन मायने रखता है, कि डायरेक्शन सही रहेगा ना तो आपका क्वेश्चंस बड़ा हो छोटा उससे कोई मायने नहीं रखता। डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन को देखना पड़ेगा हमें, आते हैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। क्या है, 10³θ/1+10²θ, cot³θ/1+cot²θ, sec²θ–cosec²θ-2, 2 sin θ और cos थीटा लाना है हमें, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं क्वेश्चंस मैच कर लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो LHS, tan³θ/1+sin²θ cos²θ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने टेन को साइन अपॉन कॉस लिखा है, बहुत आराम से चीज़ों को समझना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं स्पीड में दूसरा क्वेश्चन देखने के लिए, कि दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आप ट्राई करने के लिए तैयार हैं, तो आप क्या कीजिए, 2K पे, 2 मल्टीपल पे आप इसे देखिए, आप बहुत जल्दी वहां भी पहुंच जाएंगे, आपको सॉल्यूशंस भी मिल चुका होगा। तो यहां से देखिए, ये क्या हमारे पास sin³। तो ऐसा करते हैं, इस टेन को भी हम क्या लिख रहे हैं, sin³θ/cos³θ, ठीक है। ये अपॉन का सिंबल है, डिवाइड का, ठीक है। प्लस इसको हम लिख सकते हैं cos³θ/sin³θ ऑल डिवाइडेड बाय 1+cos²θ/sin²θ। इतनी सी बात से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ नहीं करा, टेन थीटा को साइन कॉस के फॉर्मेट में लिख दिया है, ठीक। आते हैं इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ से देखिए जरा, इसको हम देखते हैं sin³θ/cos³θ, ठीक है। और आप अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, इसको इसके नीचे 1 मान के, तो यहाँ से हो जाएगा cos²θ+sin²θ डिवाइडेड बाय cos²θ, ठीक है। प्लस ये आपका आ गया cos³θ/sin³θ ऑल डिवाइडेड बाय, इसको भी अगर LCM लेके सॉल्व करते हैं, तो आप LCM आपका क्या आता है, sin²θ। तो यहाँ से आपका आ जाएगा sin²θ+cos²θ। इतनी सी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सबको एकदम सेट है। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि अब ये देखो, P/Q के फॉर्म में नीचे है ना, इसको जब अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पलट जाता है, ये पलट जाता है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि sin³θ/cos³θ अगर मल्टीप्लाई में मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ, तो ये जरा उससे पहले, ऊपर लाने से पहले एक बात पे मैं ध्यान देना चाहूंगा, और आप लोग भी देखिए कि cos²θ+sin²θ क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, cos²θ/1, यहाँ डिवाइड में 1, इसकी जगह पे मैं 1 यहाँ पे लिख सकता हूँ, लो लिख दिया मैंने, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। प्लस ये वाला प्लस, इसको भी cos³θ/sin³θ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया ना, इसको ऊपर लाना, देखिए ये भी
ये वैल्यू भी क्या देगा हमें, वन देगा। तो यहाँ पे वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं इसे साइन स्क्वायर अपॉन वन लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन। कुछ नहीं, डिनोमेटर में जब फ्रैक्शन होता है ना ऊपर जाता है तो वो रेसिप्रोकल में हो जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे थोड़ा सा ये भी चीज़ समझने में तकलीफ होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को देख सकते हो दोबारा भी। तो अब यहाँ देखिए ध्यान से कि हमारे पास क्या निकल के आ गया, कॉस स्क्वायर और कॉस क्यूब कट गया, यहाँ पे एक कॉस बचा है, एक कॉस बचा है ना, तीन है यहाँ पे दो है, कट चुका है ठीक है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर और ए साइन कट गया, हमारे पास ओवरऑल चीज़ें क्या आई। अब यहाँ देखते हैं हमारे पास चीज़ें निकल के आई है साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इतनी सी बात बची हुई है, आइए एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो प्रूफ इतना बड़ा करना है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा तो चीज़ों को बहुत कॉन्सेप्चुअली लेके जाना पड़ेगा, हम कॉन्सेप्चुअली ही लेके जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें साइन थीटा कॉस थीटा, एलसीएम ले लिया, अब दोनों अलग अलग है तो क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अच्छा अब देखिए हमारा एक काम तो हमें दिख रहा है कि सर एक चीज़ तो बड़ा अच्छा दिख रहा है यहाँ पे कि सेक थीटा कॉस थीटा आएगा, ये नीचे में है तो साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर लेके आएंगे तो सेक थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो आइए लेकिन उससे पहले इसका इंतजाम करना होगा, इसके इंतजाम के लिए एक काम करते हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है क्योंकि मैं खड़ा हूँ अभी यहाँ पे, टेंशन मत लो ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जी, ठीक है। अब कहोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने, ये देखो ना कैसे लिखा, आप समझो बात को, आपको मैं यहाँ समझाता हूँ, यहाँ इतनी सी जगह में ठीक है, यही चीज़ तो सीखना है आपको ठीक है। साइन पे पावर 4 है ना, देखो मैंने ये लिखा है ना, अगर इसको आप ओपन करोगे ना, इसको ओपन करोगे तो यही आएगा। अच्छा ऐसे आप सीखो, देखो साइन इसे स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको साइन 4 थीटा को बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों को लिख दिया। अच्छा यहाँ पे हमने देखा कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मिला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ पे प्लस 2ab अगर हमें मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, लेकिन प्लस 2ab जोड़ते ही इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगा, अनबैलेंस हमें करना नहीं है। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्लस 2ab तो लेना ही पड़ेगा, 2 माइनस का भी 2ab लेना होगा है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस 2 sin² थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 sin² थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बात को समझिए। ये दोनों मैंने इसलिए किया कि ये कट के काट पीट के यही आ जाएगा और ये यही है ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये क्या देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं है ये, तो हम इसे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, माइनस 2 sin² थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अरे यही तो मैंने किया है, अरे यही चीज़ तो लिखा है यहाँ, देखो ना आप देखो, अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे कि क्या है ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, तो ये तो वन हो गया, ये तो वन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस 2 sin² थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ये आ गया। अब इसको हम जगह की थोड़ी सी कमी, अब मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ, आप इसे लिख लीजिए ठीक है, या तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, आपको दिख रहा है मैं इसे मिटा देता हूँ, मैं यहीं पे इसको उठा के लाऊँगा ठीक है, ताकि आपको एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाए। तो आइए यहाँ से अंदर की तरफ निकलते हैं ठीक है, तो यहाँ से देखिए वन अपॉन, इसे हम लिख सकते हैं वन अपॉन, इसको अलग अलग कर दीजिए जरा, सेपरेट साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 sin² थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, बड़ी मेहनत से हम यहाँ तो पहुँच गए हैं ना, बहुत मेहनत लगा हमें यहाँ पहुँचने में है ना। मेन होता है क्या, एक एक चीज़ समझने में भी, कि एक एक चीज़ समझना बड़ी बात होती है, कैसे हम चीज़ों को लिख पा रहे हैं और कैसे लिखेंगे। मेरी कोशिश है कि आप भी करोगे ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ, आप भी ऐसे ही करोगे, ऐसे ही सोच के करोगे, ऐसे ही बोल के करोगे, ऐसे ही आपके पास स्टेप्स होंगे आगे बढ़ने के ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिए, यहाँ से एक साइन खत्म हो गया, कॉस एक खत्म हो गया, तो यहाँ से 1/sin और 1/cos, 1/sin क्या होता है कॉसेक, 1/cos क्या होता है सेक माइनस,
तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अरे यही तो आपका आरएचएस है। अरे देखो तो सही, देखो तो सही, ये तो आखिर हमारी जीत हो गई है ना, हम जीत गए। आखिर यही तो है, यही तो लाना था। कोई दिक्कत ही नहीं होगा, बहुत आसानी से चीज़ों का हमने यहाँ पे एलोबरेट किया है। तो आप बेहतर तरीके से इसे लिख लो कॉपी में और इसको एक दो बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आपको 3 से 4 मार्क्स में ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप बेहतर तरीके से इसे तैयार कीजिए, ठीक है? तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि आप वेट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आइए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और आपके सामने, और मैं उम्मीद करता हूँ इस बात के कि ये क्वेश्चन देख के आपका मन खुश हो गया होगा, है ना? इसकी वजह क्या है, ये क्वेश्चन आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना? ये वही कर पाएगा, मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसने एनसीईआरटी चैप्टर 8 को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करा है ना? उसे ये पता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ों को 60 से 70% सही डायरेक्शन में लेके चले जाता है ना। तो आइए कोई नहीं, सब मिलके करेंगे, बहुत प्यारे तरीके से करेंगे, और आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा, बहुत ही प्यारे तरीके से करेंगे। मैं इसकी वजह बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप वजह सुनना बहुत ध्यान से, वो आपको कुछ ना कुछ सीख देगी बहुत अच्छे तरीके से, है ना? सोल्यूशन तो आपको मिलेंगे और उसकी वजह भी, आप उस पर भी ध्यान दीजिए कि क्या दिया हुआ है। कि इफ टेन ए है ना, ए कैपिटल ए, टेन ए एंगल है, इक्वल टू एन टाइम्स टेन बीटा और बी है ना बी, एंड साइन ए इक्वल टू एम साइन बीटा, फाइंड कॉस स्क्वायर ए। कह रहा है कि बी ए में दे रखा है और बोला है कि कॉस स्क्वायर ए बताओ। तो एक बार बहुत ध्यान से समझना कि कॉस स्क्वायर ए निकालने के लिए बोला गया है, तो हमें क्या करना है कि बीटा को इलिमिनेट करना होगा। इसका मतलब ये है कि बीटा को, बी मतलब बीटा मैं जिसे बोल रहा हूँ वो बी है ऑफिशियली, ठीक है? तो बी को हमें ख़त्म करना होगा। बी को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो बी को थोड़ा सा काम करते हैं बी पे, कि क्या लिखा हुआ वहाँ पे, अगर टेन ए इक्वल टू एन टाइम्स टेन बीटा है, ठीक है? तो ऐसा करते हैं कि टेन बीटा, इसको इधर बुला लेते हैं, ये 1 अपॉन टेन बी इक्वल टू एन अपॉन टेन ए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा क्यों नहीं होनी चाहिए, अब ये हो जाएगा हमारे पास कॉट बी इक्वल टू एन अपॉन टेन ए। मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने सिर्फ ये करा है कि 1 अपॉन टेन बी को, टेन बी को कॉट बी लिख दिया है, ठीक? चलिए अच्छा इसको भी देखते हैं, इसको भी थोड़ा सेट करते हैं ना। तो ये हमारे पास क्या है, साइन ए, साइन ए इक्वल टू एम टाइम्स साइन बी, एम टाइम्स साइन बी। तो ऐसा करते हैं इस साइन बी को भी इधर लेके आ जाते हैं, तो ये 1 अपॉन साइन बी इक्वल टू एम अपॉन साइन ए, ठीक है? तो आप बात को समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या किया, मैं बी को इलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बी का फॉर्मेट मुझे यहाँ से चेंज करना है। तो यहाँ से क्या हो गया होगा, इसे हम लिख सकते हैं कॉसेक, कॉसेक बी इक्वल टू एम अपॉन साइन ए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो हमें एक बात पता है कि जब हम कॉट और कॉसेक ले ही आए हैं, तो कॉट और कॉसेक में एक रिलेशन होता है, एक ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी होती है ना। तो यहाँ से लिख दो, वी नो दैट, एक बात जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस सेक माइनस कॉट स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है, ये ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी है ना? अगर यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल यहाँ पे भी होना चाहिए। तो कॉसेक स्क्वायर बी क्या है हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर बी हमारे पास एम अपॉन, तो हम यहाँ लिख देते हैं एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए, माइनस कॉट की जगह हम लिख देते हैं एन स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर बी इक्वल टू 1। अच्छा यहाँ से देखते हैं, ये एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर है ना, माइनस एन स्क्वायर, ये देखिए टेन स्क्वायर बी को हम साइन अपॉन कॉस के फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना, तो ये देखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये कॉस ऊपर जाएगा ना, इस कॉस को यहाँ से मैं देखो, आप लोग देख रहे होगे, तो मैं इस कॉस को यहाँ से हटा के, क्योंकि ये पी बाय क्यू के फॉर्म में यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो हम क्या करेंगे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए अपॉन अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है?
अब यहाँ से आप इसको यहाँ देखिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा चीज़ों को। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो अगर हम सही डायरेक्शन में एक स्टेप बढ़ा लेते हैं तो हमारा ऑफिशियली मंजिल तक हम पहुंच ही जाते हैं। तो वही कहानी यहाँ पे भी है कि मैंने एक स्टेप यहाँ लिया था बस, उसके बाद कैलकुलेशन है, बस मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ और आप भी देखिए कैसे कर रहे हैं। तो हमें कॉस स्क्वायर ए निकालना है ना, तो कॉस एक यहाँ से साइन ए को इलिमिनेट करना होगा, साइन ए को हटा के कॉस में करना होगा। तो यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लो यहाँ पे आप, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आइए कॉस कॉस को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये एम स्क्वायर इस वन को इधर बुला लीजिए, माइनस का वन हो जाएगा और इसको उधर ले जाएगा, तो ये एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और माइनस का कॉस स्क्वायर ए, ये वाला माइनस का कॉस स्क्वायर है। तो ये एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा, ओ यहाँ से आप लोगे कॉस स्क्वायर ए कॉमन, कॉस स्क्वायर ए कॉमन लेते हो तो यहाँ से आपको बच जाता है एन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो देखो ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ये देखो आपका आंसर आपके आंखों के सामने आ चुका है, ठीक है। तो ये करा, तो पहले हमने इसे लिखा, फिर हमने इसे थोड़ा सा सॉल्व करा, फिर ये आपका है, फिर आपका ये पोर्शन है। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पेपर में आ गया तो अगर कर रखे हो आप तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से लिखिए, और भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा ये, तो आइए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर। कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, यही वो क्वेश्चन है जो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर चार चांद लगाएगा, है ना, यही वो क्वेश्चन है जो आपके सर्टिफिकेट को चमकदार बनाएगा, यही वो क्वेश्चन है जो आपके सोच को बिल्ड करेगा आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए, ठीक है। क्योंकि स्कोर जब हमारा आता है ना तो हम एक अलग ही लेवल पे हमारा कॉन्फिडेंस रहता है ना, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और है, ये भी हमारे पास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अकाउंटिंग में है ये भी, और ये चांसेस आपके पास 70% चांसेस होता है इस क्वेश्चन को पेपर में देखने का, और अभी ये अच्छा स्कोर दे के जाता है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे स्कोर दे के जाएंगे, ऐसे नहीं कि आपको एक नंबर, नहीं, अच्छा स्कोर दे के जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसे प्रूफ करना है, क्या करना है, इसे प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ करना है इसे, क्लियर है। तो आइए थोड़ा सा पहले काम करते हैं, हाउ टू थिंक, कि इसे हम कैसे सोचेंगे, हमारे लिए मेन पर्पस यही है। आपने सॉल्यूशंस किए भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत जगह क्वेश्चंस को देखे भी होंगे, सॉल्यूशंस भी आपने देखा होगा, लेकिन आपने कॉपी में भी कर रखा होगा, लेकिन फिर भी आपको नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, उस मिस्टेक को सही करने का कोशिश तो कर ही सकते हैं, है ना, आप कोशिश कीजिए, और मेरे तरफ से तो 100% श्योरिटी कि सही हो जाएगा, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप उसी तरीके से चीज़ों को करना स्टार्ट कीजिए और सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी वहीं से आया हूँ, कोई हम लोग भी जो पढ़ाते हैं, जो भी लोगों, कोई आसमान से लेके चीज़ें नहीं आता, यहीं पे चीज़ों को फेस करता है आप लोगों की तरह और वहाँ पे पहुँच जाता है। तो ध्यान से देखते हैं क्या कहा जा रहा है, कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन हमें प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो सेक थीटा और टेन थीटा एक दूसरे की आइडेंटिटी तो है, एक दूसरे इसमें ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी तो है। तो पहली सोच तो हमें ये मिल गई कि साइन थीटा कॉस थीटा में आइडेंटिटी है, तो काम हम इस बेस पे करेंगे। उसके बाद हमें सेक और टेन कैसे मिलेगा, इससे कह रहे कि सर टेन लाने के लिए तो हमने पिछले क्वेश्चन में एक काम किया था कि साइन था ना तो हमने कॉस से डिवाइड कर दिया था तो टेन मिल गया था। तो देखिए ध्यान से, सेक थीटा, अरे कॉस से आप डिवाइड करोगे तो वन अपॉन कॉस आएगा, वन अपॉन कॉस आपको क्या देगा, सेक देगा, मिल तो गया आपको, काम करने का आपको एक स्टेप मिल चुका है, और ये स्टेप आपको सॉल्यूशन पूरे एंड तक लेके जाएगा, बेफिक्र रहिए। देखिए यहाँ पे तो लिखते हैं एल एच एस तो डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना, वजह आपके पास है, क्यों, मैं वजह पे बात कर चुका हूँ पिछले 30 सेकंड 40 सेकंड में। तो आइए देखते हैं, तो मैं कुछ इसको ऐसा लिखूंगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन
कॉस थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा ऑल डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इतना सा काम तो हमने कर लिया। आइए नेक्स्ट, इसके आगे बढ़ते हैं। ये नहीं लिखूंगा, ये तो प्रूफ करना है हमें, देखेंगे लास्ट में। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस तो हो गया टेन, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों तरफ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि बैलेंस होना चाहिए। आप कुछ भी उसमें छेड़खानी करो, कुछ भी आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, बट जो भी करो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करो ताकि इक्वेशन पे कोई असर ना पड़े। आइए देखते हैं आगे। ये कॉस से कॉस कैंसिल, ये भी कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ पे माइनस वन प्लस सेक थीटा अपॉन, ये आपको टेन थीटा देगा, प्लस वन माइनस, प्लस वन माइनस सेक थीटा। आइए यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं और आई होप सो कि यहाँ तक पहुँचने में आपको ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा। अच्छा देखिए, टेन थीटा और सेक थीटा हाई, और ये वन, अरे ऐसा करते हैं ना, इस वन को भी इसी के रंग में रंग देते हैं, इस वन को भी इसी के रंग में रंग देते हैं। तो मैंने लिखा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, अच्छा वन की जगह पे ये लिख दे तो कैसा रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अरे ये तो बात हो गई बहुत अच्छी वाली, अच्छी वाली कैसे हुई मैं बताता हूँ अभी, एक मिनट एक मिनट, बस एक मिनट में आपका प्रॉब्लम ख़त्म। कह रहा वन जो था ना, ये वन, इसका मैंने sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में लिख दिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मेट है तो मैं यहाँ से कैलकुलेशन को आगे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं कैसे, tan थीटा प्लस sec थीटा, इसको ऐसे रख दो, अच्छा इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, sec थीटा प्लस tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, sec थीटा प्लस tan थीटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों बात सेम ही है, बात समझ रहे हो, आप टू प्लस थ्री लिखो या थ्री प्लस टू लिखो, बोथ आर सेम, दोनों रिजल्ट सेम ही देगा। चलिए आइए देखते हैं, माइनस यहाँ देखिए जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है, दिख तो रहा है, तो कर देते, तो ये क्या होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर मैं डिजिटल बोर्ड लगाऊंगा, है ना, आप लोगों की दुआ रही तो ज़रूर लगा दूंगा। ठीक है, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिए, उसके बाद जरूर कर लेंगे हम। देखिए मैंने क्या क्या लिखा है एक बार देख लीजिए, मैं बता भी देता हूँ, यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा आप लोगों को दिख रहा होगा, मे भी ये नहीं दिख रहा होगा, ठीक है मैं जाऊँगा कैमरा ऑफ करने तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्या फ़ायदा, यहीं पे समझाता हूँ। sec थीटा प्लस tan थीटा यहाँ मैंने लिखा है sec थीटा माइनस tan थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया, sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, ऑल डिवाइडेड बाय, इसे एज इट इज़ रख देते हैं कॉमा, ये मैंने दो डबल डॉट डाल दिया, यही चीज़ यहाँ उतारना है और कुछ नहीं करना। ठीक, अच्छा आगे देखते हैं, तो हमने देखा कि sec थीटा प्लस tan थीटा यहाँ भी है और sec थीटा प्लस tan थीटा यहाँ भी है, मल्टीप्लाई में ये दोनों ध्यान रखिएगा, तो इन दोनों को ले लेता हूँ मैं कॉमन, तो मैंने ले लिया sec थीटा प्लस tan थीटा, मैंने लिया कॉमन, आइए जरा कॉमन ले, तो यहाँ पे ये बाहर आ चुका है, तो यहाँ क्या बचा, वन, यहाँ क्या बचेगा, वन, ये समझने वाला पूरा पॉइंट है, माइनस। अब यहाँ देखिए, इन दोनों में से ये तो आ चुका है बाहर, ये बचा sec थीटा माइनस tan थीटा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ sec थीटा माइनस tan थीटा, कर ली ब्रैकेट लगा देते क्योंकि एक ब्रैकेट ऑलरेडी यूज है अपॉन। अब यहाँ पे मैं सेम चीज़ सेम यही वाला पूरा पार्ट यहाँ उतार रहा हूँ, ठीक है आप लोग समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से, इसको मैं यहीं उतारूंगा। अच्छा यहाँ देखते, तो ये आ गया sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते, तो ये वन माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन, अब लिखेंगे tan थीटा प्लस वन माइनस sec थीटा। बहुत ध्यान से देखिए, वन मैंने यहाँ लिखा, ठीक है माइनस sec थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा, है ना, तो यहाँ देखिए वन यहाँ प्लस का है, वन यहाँ भी प्लस का है, sec यहाँ माइनस का है, sec यहाँ भी माइनस का है, tan थीटा प्लस का है, यहाँ भी प्लस का, अरे ये तो ठीक है, ये तो एक ही घर के कहानी है। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास बच गया sec थीटा प्लस tan थीटा। बट सर आंसर तो डिवाइड में, थोड़ी सी बात आपको और बनानी पड़ेगी, बिल्कुल बनाएंगे, अरे बनाएंगे क्यों नहीं,
बनाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे कैसे। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको उठा के यहाँ लिख देता हूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ डॉट था, डॉट देखिए ध्यान से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है ना, हमें लाना डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हाउ टू थिंक, कह रहे सर डिनोमिनेटर में ये लाना सेक थीटा प्लस टेन थीटा था ही, अगर इसमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा तो ये तो अच्छी बात है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा। चलो तो ऐसा करते हैं, डिवाइड कर देते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, ठीक है। इससे क्या बात बनी, आप कैंसिल करोगे यही मिल जाएगा, कोई फर्क पड़ा नहीं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अब भी है ये। लेकिन हमारा काम बन गया यहाँ पे, क्या हमारा काम ये हो गया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये देखिए आप इसको बता दो ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। और इस बात से आप बिल्कुल भी ना नहीं कह सकते कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, अभी तो यूज़ करा था, वन अपॉन ये आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही तो है आपका आर एच एस। लो आ गया, अब ये भी सीख गए हो आप कि यहाँ पे अगर ये इस टाइप का फंक्शन आपको दिखे, इस तरीके का कोई भी टर्म आपको दिखे, तो आप कैसे सॉल्व करके अपने आर एच एस तक पहुँचोगे, है ना। तो हम यहाँ पे पहुँच गए, तो ये आपका साइन हो चुका है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छः के छः क्वेश्चन जो ये सारे आपके एग्ज़ाम बोर्ड में ज़रूर 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 दिखेंगे, ठीक है, ज़्यादातर दिख जाएंगे। तो कोशिश करना आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि एट द लास्ट बट नॉट एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट कि जैसे मैं ट्रिगोमेट्री के क्वेश्चंस आप सेशन बना के आपके पास शेयर करूंगा, आपके पास भेजूंगा, आप उसे देखिएगा ज़रूर, ठीक है। और उनको भी भेजिएगा जिनको ज़रूरत है, क्योंकि अच्छे स्कोर सबकी नीड्स से सब चाहता है, कम से कम अच्छा स्कोर नहीं तो पास भी हो जाएगा। इन इन सेशन को देख के अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप कहीं ना कहीं आप एक रेड जोन से बाहर आ जाते हो, आप पासिंग मार्क्स तो आराम से ले आओगे। और जो अच्छा स्कोर, जो अच्छा मेहनत करा जिन्होंने, क्योंकि पढ़ाई लिखाई दो चार दिन का काम नहीं, ये सालों की मेहनत होती है, ठीक है। जो पहले से मेहनत कर रहा है वो तो अच्छा स्कोर करेगा, जो चाहता है कि पासिंग मार्क्स तक मैं पहुँच जाऊँ, तो आप इतना सा सेशन देख लो जितना मैंने क्वेश्चन मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मैं जिस तरीके से ट्रिगोमेट्री के क्वेश्चन आपसे बात करूँगा, ट्रिगोमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, सारे सैम्पल पेपर के और सारे आपके प्रीवियस ईयर के, ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे इस ट्रिगोमेट्री की बात करूँगा, उसी तरीके से फिर मैं ट्राइंगल के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, सारे प्रीवियस ईयर के लेके आऊँगा, ठीक है, और सारे सैम्पल पेपर के जो भी हैं वो क्वेश्चंस लेके आऊँगा, सारे मतलब हाईलाइटेड जो आपको पेपर में दिखने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों वो क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर कीजिए, है ना। और आपका रिस्पांस भी इस बात को बताता है कि कितना मेहनत मैं और करूँ इस चीज़ों में, ताकि आप बताओगे, नहीं तो आप खुद बताइए अगला चैप्टर कौन सा आपको किसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो हम उस पर भी बहुत बेहतर तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ओके बाय।